रूस ने अपने यहां मॉस्को में हुए आतंकी हमले में यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। रूस की सिक्योरिटी एजेंसी ने दावा किया है कि हमलावरों के यूक्रेन के अंदर संपर्क में थे और जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो वो यूक्रेन से लगने वाले बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। और इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिनमें से 4 लोग वो संदिग्ध हमलावर हैं जिन्होंने बीती रात रूस में 20 साल में सबसे बड़ा आतंकी हमला किया है। रूस ने अपने यहां होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक भी लगा दी है, स्कूल और मॉल भी बंद कर दिए गए हैं। बीती रात कम से कम 5 हमलावरों ने मॉस्को में एक कॉन्सर्ट में घुस करके लोगों को गोलियों से भून डाला था और फिर वहां से भाग निकले थे। इस आतंकी हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ करके 100 के करीब पहुंच चुका है। आतंकी संगठन ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और अब कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन कुछ तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई है। किस तरह से आतंकी हमला हुआ, एक के बाद एक अंधाधुंध फायरिंग होती रही, कई लोगों को निशाना बनाया गया और मरने वालों का आंकड़ा अब 100 के पार जा चुका है। कई गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पतालों में जिनका उपचार चल रहा है। 11 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस मामले में। रूस में हुए हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है और तस्वीरें देखकर हर किसी का कलेजा कांप रहा है। हथियारबंद हमलावर मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में दाखिल होते हैं, गोलियां लगातार बरसाना शुरू कर देते हैं। हॉल में रूस के एक मशहूर म्यूजिक बैंड का कार्यक्रम होना था, शो हाउसफुल था और बताया गया कि 6,000 से भी ज्यादा लोग इस कॉन्सर्ट को देखने के लिए पहुंचे। मगर इससे पहले कि शो शुरू होता, आतंकियों ने वहां धावा बोल दिया और लोगों पर एक के बाद एक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमलावरों ने कॉन्सर्ट हॉल में आग भी लगा दी। बताया गया कि फायरिंग करने के बाद आतंकियों ने हॉल में विस्फोटक से हमला किया, जोरदार धमाका हुआ, इमारत में भयंकर आग लगी और उस आग में इमारत पूरी तरह से जल गई। खबर है कि कई लोग हमलावरों से अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के टॉयलेट में भी छिपे, दूसरी जगहों पर जाकर छिपे, मगर आग के धुएं से उनका दम घुट गया और वो मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है, साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, भारत दुख की इस घड़ी में रूस के साथ खड़ा है। उन्होंने पीड़ित परिजनों के लिए अपनी संवेदनाएं भी जाहिर की है और इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। रूस में हुए इस आतंकी हमले ने बीते 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मरने वाले लोगों का आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। मॉस्को इससे पहले भी इसी तरह निशाना बनाया गया, मगर 20 साल में यह पहली बार है जब रूस में ऐसा बड़ा आतंकी हमला हुआ और हमले की जिम्मेदारी रूस के दुश्मन आतंकी संगठन ISIS ने ली। मॉस्को में हजारों लोग म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने पहुंचे थे, मगर उनका स्वागत आतंकवादियों की गोलियों से हुआ। कॉन्सर्ट हॉल में रूस के एक म्यूजिक बैंड का कार्यक्रम था। खबर है कि 6,000 से ज्यादा लोग कॉन्सर्ट देखने पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होता उससे पहले ही वहां हमलावर आ धमके। आतंकियों ने रत्ती भर का रहम नहीं खाया और कॉन्सर्ट हॉल में बेतहाशा फायरिंग कर दी। हर तरफ चीख पुकार मच गई, कुछ लोग अपनी सीटों के नीचे छिप गए तो कुछ अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। इस जद्दोजहद में कई लोग नीचे गिर गए और भागते लोगों ने उन्हें रौंद डाला। सामने आई तस्वीरों में हमलावर कॉन्सर्ट हॉल में राइफल से गोलियां चलाते दिखे। और बाद में उन्होंने इमारत को फूंक डाला। बताया गया कि आतंकियों ने ग्रेनेड या फिर बम फेंके, जिसकी वजह से कॉन्सर्ट हॉल में भयानक आग लग गई। ऐसी आग की उसे बुझाने के लिए आसमान में हेलीकॉप्टर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। बताया गया कि कई लोग तो आग के धुएं में दम घुटने की वजह से मारे गए।
आतंकियों की गोली से बचने के लिए वो टॉयलेट और दूसरी जगहों पर छिप गए। बंदूक की गोली तो उन्हें नहीं छुपाई, लेकिन आग के धुएं ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। बीते कई साल में ये रूस में हुआ अब तक का सबसे भयानक हमला है, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली है। रूस की मीडिया में दावा किया गया कि मॉस्को में खून की नदियां बहाने के बाद हमलावर एक कार में बैठकर वहां से फरार हो गए और वो सुरक्षा एजेंसियों के पहुंचने से पहले ही वहां से रफू चक्कर हो गए। खास बात ये कि हमलावर सादे कपड़ों में नहीं बल्कि सुरक्षा बल की वर्दी पहनकर मॉस्को के इस कॉन्सर्ट हॉल में दाखिल हुए थे। और ये भी जानकारी सामने आई कि कॉन्सर्ट हॉल की सुरक्षा में जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे उनके पास बंदूक या पिस्तौल नहीं थी और इसी वजह से हमला वो रोक नहीं पाए और कई लोगों की इसमें जान चली गई। साथ ही अमेरिका ने दावा किया कि उसने रूस को इसी महीने आगाह भी कर दिया था और बताया था कि अमेरिका को खबर मिली कि अफगानिस्तान में सक्रिय ISIS की ब्रांच मॉस्को में हमले की एक बड़ी प्लानिंग कर रही है। अमेरिका ने इसकी जानकारी रूस के अधिकारियों को भी बकायदा पहले ही दे दी थी। अमेरिका ने दावा किया कि उसकी तरफ से रूस को साफ तौर पर सतर्क कर दिया गया था कि मॉस्को में भीड़भाड़ वाली जगह को निशाना बनाया जा सकता है। रूस में अमेरिका के दूतावास ने वहां मौजूद अपने नागरिकों को अलर्ट भी कर दिया था।